देखिए डबल बॉन्ड तो आप कई तरीके का ले सकते हैं, बट नॉर्मली आप ऐसे डबल बॉन्ड चूज करते हैं जो डबल बॉन्ड बेसिकली रिजिड साइक्लिक सबस्ट्रेट के लिए होता है। रिजिड साइक्लिक सबस्ट्रेट में भी आपका ब्रिजहेड टाइप का जो रिजिड साइक्लिक सबस्ट्रेट होता है उसमें, अब उसमें यहां देखिए मैंने एक डबल बॉन्ड रखा है, यहां दो डबल बॉन्ड रखे हैं, यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं, ये तो 2-2-1 है आपका, ये वाला ये 2-2-1 है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ और आपको मैं इसका नॉमेनक्लेचर भी बता दूंगा, बट ये है कि अभी इसका नॉमेनक्लेचर बताना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको जीपी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आप इसका समझ लीजिए, बता दूंगा मैं आपको। ए बी सी डी ई एफ और ठीक है, आप नीचे भी कर लीजिए, नीचे भी ये ब्रिजेड है, नीचे भी मार्क कर लीजिएगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच मार्क कर लीजिएगा। तो बेसिकली बेटा देखिए जो दो ब्रिजेड है ना आपके ए और डी, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं रिंग सिस्टम दिखाऊं आपको, आप देख लीजिए पहले, देखिए एक रिंग देखिए ये, एक तो ये, एक दो तीन चार और पांच, इधर आइए, एक दो तीन चार और दो पांच मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है ए और डी की शेयरिंग से, लेकिन ब्रिज बनाते हैं, सो दैट इज व्हाट ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब ब्रिज के जितने ब्रिज हेड के अराउंड नंबर ऑफ ब्रिजेस होंगे वैसे ही नाम लिखते हैं इसका, तो जैसे इसके ब्रिज हेड के अराउंड दो इधर है, दो इधर है और एक ऊपर, तो इसको बोलेंगे आप 2.2.1 ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब चूंकि सात कार्बन है तो हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन, आठ होता तो ऑक्टेन, समझ रहे मेरी बात, तो नॉमन कल्चर इसमें बेसिकली क्या है, ये 2.2.1 मैं आपको बता, इसमें जो कॉमा लगाते हैं कॉमा गलत है, समझ रहे हैं, 2.2.1 लगाते हैं गलत है, वो आईपीएससी ने 2.2.1 डॉट बीच में दिया, समझ रहे हैं, आईपीएससी ने डॉट लगाया जाता है, कॉमा नहीं लगाया जाता इसके, तो ये बताते हैं कि ब्रिज कितने हैं, कितने कार्बन की ब्रिजेस हैं या कैसी ब्रिजेस हैं, और बाकी ब्रिज हेड है तो ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक रिंग, ये भी है ब्रिज हेड 2-2-1, और ये भी है आपका 2.2.1, और ये क्या भी है आपका 2.2.2 है ना, 2.2.2 ये भी आपका है 2.2.2 और ये भी आपको एक बार सवाल आपके पेपर में आया था बोरान वाला, वो क्या है, देखिए ऐसे करा हुआ आपका, ये इस तरीके से था, देखिए मैं इधर बना देता हूँ, बोरान ऐसे था, ऐसे था ना, ऐसे जो था इसका नाम लिखने के लिए आया था, तो ये क्या हो गया, देखिए कैसे पहचाने लगे ब्रिजेड है, देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ,
इसका नोमेनक्लेचर कुछ है नहीं, एक ब्रिज हेड को उठाओ और नंबर ऑफ ब्रिजेस को होते हुए ज्यादा बड़ी ब्रिज से होते हुए छोटी ब्रिज से होते हुए फिर सबसे छोटी ब्रिज पे जाओ, मतलब एक ब्रिज हेड से शुरू करो। अब हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम एक के बाद दो हजार दे देते, लेकिन नहीं दे सकते। आईपीएससी के हिसाब से बड़ी ब्रिज जो होती है उसको पहले नाम दिया जाता है, जिसका साइज बड़ा होता है। तो एक इसको दे दिया, अब तीन तीन इधर है, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, और जब पूरा ब्रिज खत्म हो गया तीन तीन का, तब छोटी ब्रिज पे आए एक कार्बन, जो एक बोरान की ब्रिज है ना, इसमें एक बोरान की भी तो ब्रिज है, एक बोरान की, तो उसको बाद में हमने नाइन नंबर इसलिए दिया क्योंकि वो छोटी ब्रिज है। आईपीएससी के नोमेनक्लेचर के हिसाब से बड़ी ब्रिज से होते हुए छोटी ब्रिज और फिर उससे छोटी ब्रिज पर जाते हैं, प्रायोरिटी देते सब, मतलब नंबरिंग करते सब। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नाइन बोरा, बोरा पर बोरान, बाई साइक्लो नोनेन, नोनेन फॉर नाइन, नाइन है इसलिए। सो इसको पूरा नाम बोलते हैं थ्री थ्री वन ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक नोनेन, शॉर्ट में नाइन बीबीएन, नाइन डॉट नाइन डैश बीबीएन, ये जिसको बेटा शॉर्ट में लोग ऐसे भी लिखते हैं, बोरान के ऊपर ऐसे टैपिंग कर देते हैं, बल्कि बोरान बोला जाता है। तो अगर आपने समझ के पढ़ा है ना, तो डाउट नहीं होगा आपको, नॉमेनक्लेचर करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दो नंबर में आया था ना सर, थ्री डॉट थ्री डॉट वन ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक नोने नाइन बोरा, क्या था इसमें आगे नाइन बोरा भी था ना, ये भी लगा लीजिए नाइन बोरा, ये भी तो था नाइन बोरा, थ्री थ्री वन ब्रिज हेड नाइन बोरा बाईसाइक्लिक नोने, ठीक है, मतलब नाइन नंबर में बोरा है इसलिए उसको नाइन बोरा बोलेंगे, ठीक है। तो पहले नोट कर लीजिए उस वर्ड्स को, नोट कर लीजिए, ये मैंने इसके लिए नहीं बताया भैया, बल्कि बोरा ने नाम बता रहा था इसलिए बता दिया आपको, ये अलग है। लिखिए, व्हेन एनी लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन रिजिड साइक्लिक रिंग वेर एनी लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन रिजिड साइक्लिक रिंग स्पेसली ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक रिंग, स्पेशली ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक रिंग, कह लीजिएगा आइदर टू टू वन टाइप और टू 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 टाइप, आइदर टू टू वन टाइप, इसको कुछ लोग नॉर बोर्निल भी बोलते हैं, ठीक, नॉर बोर्निल वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो टू टू वन बोलिए, एटसेट टू टू वन और टू 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 टाइप, एंड एनी डबल बॉन्ड, एंड एनी डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द नेबरिंग, एनी डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द नेबरिंग देन bond will participate, इसको underline कर लिया, then pi bond will participate in the removal of leaving group, then pi bond will participate
in the removal of leaving group through NGP, or intramolecular SN2 reaction. NGP or intramolecular SN2 reaction. ठीक भैया, अच्छा यहां पे इंटरमीडिएट बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोग्लुटामाइन, ध्यान रखिएगा इसका इंटरमीडिएट होता है नॉन क्लासिकल कार्बोग्लुटामाइन, तो इसलिए नीचे लिख लीजिएगा, इसको मिटा दो बेटा पूरा, नीचे वाला ले लीजिएगा, हियर इंटरमीडिएट ऑफ दिस टाइप एनजीपी इक्वल्स नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, विच आर हाईली स्टेबलाइज्ड देन क्लासिकल कार्बोकैटायन, विच आर हाईली स्टेबलाइज्ड देन क्लासिकल कार्बोकैटायन, कहां से उठाते हैं, लेकिन बेटा रुको अभी समझाता हूं मैं, जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यहां पर एक डबल बॉन्ड का एनजीपी है, तो यहां पे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन एक डबल बॉन्ड के इफेक्ट से है, यहां दो डबल बॉन्ड के इफेक्ट से है, और यहां है ही नहीं बेटा। अगर आप इनके रेट को कंपेयर कीजिए तो सोचिए 10^11 टाइम्स, 10^19 टाइम्स, कई कई लाख गुना ज्यादा रेट होता है इनका नॉर्मल एसएन2, तो इसीलिए इसको आप नॉन क्लासिकल कहते हैं, क्योंकि नॉन क्लासिकल का मतलब ये कि जिनके रेट को आप हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन ही ना कर सकते, आपका रिजोनेंस बता रहा है कि इसको इतना स्टेबलाइज होना चाहिए, लेकिन ये हो कितना रहा, बहुत ज्यादा, तो उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल का मतलब जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हो, और एक्सपेरिमेंटली कैसे ऑब्जर्व्ड होगा, टेक्निक्स के थ्रू, भाई रेट कैसे कंपेयर करेंगे आप, काइनेटिक्स के जो टेक्निक होती है उन्हीं के थ्रू करेंगे आप, तो उसके थ्रू आपको अगर मान लीजिए रेट, सपोज करिए आप एबीसी है, मान लीजिए एसिड टू हो रहा है, चलो एजीपी हो रहा है तो हो रहा, उससे इतना ज्यादा रेट कैसे फर्क पड़ गया, इसका मतलब एजीपी जो है जो यहां पर है डबल बॉन्ड का, जो नॉन क्लासिकल कार्बोनेट बना रहा है वो नॉर्मल किसी थ्योरेटिकल इफेक्ट से एक्सप्लेन नहीं किया सकता, चाहे वो एरोमेटिसिटी हो, चाहे वो हाइपरकंजुगेशन हो, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, इसीलिए उसको नॉन क्लासिकल बोलते हैं। और इसीलिए मैंने जब आपको बताया था कि नॉन क्लासिकल इफेक्ट कहीं लगता है तो वो हमेशा डोमिनेट करता है क्लासिकल इफेक्ट पे, इसीलिए बताया था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है किसी भी थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेंस से ऊपर। क्यों भाई, मान लीजिए कि मैंने आपका हाथ पकड़ करके नब्स चेक करिए, बोला कि आपको बुखार है, हैं? और बिना नब्स चेक करिए आपका मुंह देख के बता रहे हैं आपको बुखार हो सकता है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा, एक में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली कि हाँ भैया बुखार है, नाप भी रहे हैं 104 है डिग्री फारेनहाइट, सेल्सियस नहीं जल जाएंगे, और एक में जो है खाली बस
थ्योरेटिकल इफेक्ट से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई, समझ रहे, समझ गए। रिजोनेंस मालूम क्या है कि सपोज करिए आपको पैसे की जरूरत है, मैंने आपको दे दिया, वो तो रिजोनेंस है। और मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, मैंने टेलीफोन से आपको बोला हाँ भाई जरूरत होगी तो बता देना, वो इंडक्टिव इफेक्ट है, समझ गए। सपोर्ट दोनों में ही मिल रहा है, लेकिन एक में थोड़ा कम एक में थोड़ा ज्यादा, और नॉन क्लासिकल तो फिर बहुत ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, ठीक है। चलिए बता दो पूरा ना इसको, सवाल देख लीजिए भैया। देखिए बेटा ये जो सवाल था आपका ना, ये सवाल देखिए, ये सवाल था आपका, ये वाला सवाल देखिए, नीचे वाला, है ना आपका बिल्कुल देखिए वैसे ही सवाल है ना आपका जो पूछा गया है, खाली बस क्या है वहां पे OSO2PS था, यहां क्या है OME, समझ रहे मेरी बात। तो सवाल बिल्कुल सही उठाता, अपने मन से नहीं देगा वो कभी भी एनजीपी का कोई सवाल, इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये चीज है भाई यहाँ पे, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई एंड सिग्मा बॉन्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस, ये है इसकी हेडिंग। एक नॉन क्लासिकल देखिए क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये सिस्टम समझ में आ रहा है आपको, ये बात 221 वाला समझ में आ रहा है आपको सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्डर है, जो रेट है, जो बताया है वो मैं अभी आपको ले दी, सारे नॉन क्लासिकल, सिग्मा वन का भी दिखा रहा है, सिग्मा वन नहीं पढ़ा रहा अभी आपको, एक ऑर्डर की बात कर रहा था, ये है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द मोस्ट स्ट्राइकिंग एविडेंस दैट सी डबल बॉन्ड सी कैन एक्ट एज अ नेबरिंग ग्रुप इज दैट एसिटोलिसिस ऑफ 36 ओटीएस, मतलब ये 36 में x बराबर ओटीएस ले लिया है, इज 10 टू द पावर 11 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ 37 ओटीएस, इसमें एनजीपी नहीं हो रही, देखिए इसमें एनजीपी नहीं है, वो उससे 10 टू द पावर 11 टाइम्स, केवल एक डबल बॉन्ड की एनजीपी, एक डबल बॉन्ड की एनजीपी, सिर्फ एक डबल बॉन्ड की एनजीपी 10 टू द पावर 11 टाइम्स रेट बढ़ा दे रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए कंपेयर किया आप इसको, इसीलिए इसको नॉन क्लासिकल बोलते हैं। आप शब्द का मतलब समझिए, नॉन क्लासिकल क्यों बोल रहे हैं, नॉन क्लासिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्लासिकल ट्रेंड से बहुत हटके है, रेगुलर ट्रेंड से बहुत हटके है, समझ गए। एक बात बताइए, जो मीटियर्स गिरते हैं ये कभी कभी तो गिरते हैं, रोज गिरते हैं क्या, रोज गिरने लगे तो क्या होगा, बहुत सारा मटेरियल लेके आएंगे एंटी पार्टिकल अपने साथ, और हम लोग जल भी जाएंगे और हम लोग अमीर भी हो जाएंगे, कुछ लोग जलेंगे कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, जल मतलब जलने का जल भूल जाएंगे, मतलब वो भी जल जाएंगे बिल्कुल भुट्टा की तरह, भुट्टा नहीं जलते, भुट्टा जब जलता है तो उछल उछल के जलता है, हाँ पट्टा पट्टा जलता है। चलिए बस यही बताना चाह रहा था, बाकी तो सब मैंने निकाल दिया। अरे आप लोग सोच रहे हैं नॉन क्लासिकल क्यों कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका, एक डबल बॉन्ड की एनजीपी कितना रेट बढ़ा रही है आप सोचिए, ऐसा तो किसी रिजोनेंस में, किसी हाइपर कंजुगेशन में, किसी एरोमेटिसिटी में ऐसा नहीं बोला गया कि एरोमेटिसिटी हो तो इतना ज्यादा रेट हो जाएगा, वो केवल थ्योरेटिकल इफेक्ट है, रिजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करके निकालने वाले ही, अकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा करके कैलकुलेट करने वाला, ये वैसा नहीं काम करता, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व टेक्निक है, इसीलिए इसको नॉन क्लासिकल कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और कोई ये पूछे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, भाई यार नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बहुत स्पेसिफिक चीज होती है, तो जब होती है जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में पूछी जाती है, तो मैं आपको जितना आपको इसमें दिया है बुक में सारा पढ़ा दूंगा, और जहां से मिलेगा थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, पेपर में आपको थोड़ा बहुत सवाल दे दूंगा आपको करने के लिए, उतने ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ने की, ठीक है, क्योंकि ऐसा ज्ञान भी मत लीजिए कि आपका रेगुलर ज्ञान प्रभावित हो जाए, कि नॉन क्लासिकल में गए तो क्लासिकल भूल गए, हर जगह नॉन क्लासिकल लगा रहे,
सबका एजीपी ढूंढ रहे हैं जगह। इसीलिए नॉन क्लासिकल तरीके से ही पढ़िए इसको, समझिए कि ये खीर है, कभी कभी मिलेगी आपको तो आप खा लीजिएगा। अब थोड़ा सा अगर उसमें आपने काजू बादाम डाल दिया तो और अच्छा। चलिए देखिए, मैं यही आपको कंपेयर कर देता हूँ। जैसे ये डबल बॉन्ड है आपका ए बी, पूरा ही कर दीजिए ए बी सी डी ई एफ और देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको कहिए तो बता दो मॉडल से कही तो आप समझ आ रहे हैं आ जाएगा ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत डाउट होगी ना तो मेरे से देख लीजिएगा, मैं आपको मॉडल में भी बता दूंगा इसमें कोई दिक्कत। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं बी से अटैक करूं ऐसे, तो ओटीएस निकल सकता है। अभी लिखिएगा मत प्लीज बेटा, क्या बनेगा कहां से अटैक कराए बेटा? अभी मैंने बोला कि लिखिएगा मैं तो मत लिखिएगा। नंबरिंग कर देता हूं मैं इसमें ए बी सी डी ई एफ और जी। बताइए पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? आपने अगर डबल बॉन्ड तोड़ करके बी से जी को जोड़ दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ा आपने और बी से जी को जोड़ दिया, आप मत जोड़िएगा, आप बस देख लीजिए। एनजीपी का ये मतलब नहीं होता कि लगाना ही है, बस पता हो चल जाए कि एनजीपी लग रही है काम हो जाएगा। आपको ये इंटरमीडिएट बना के कोई गेस नहीं करना है, ना ही मैं लिखनी है पेपर, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एनजीपी में जो नॉन क्लासिकल कार्बन है इसका मतलब क्या होता है। अब क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि बी से भी अटैक हो सकता है और ए से, तो मैं ये तो मैंने ये थी पॉसिबिलिटी वन। अब पॉसिबिलिटी टू देखिए, पॉसिबिलिटी टू क्या है? कि अटैक कहां से कर रहा हूं मैं? सी से। मैं इसको इसी में दिखा दूं या अलग से दिखा दूं? इसे भी दिखा दो, समझ जाएंगे आप। मैं इसके लिए इसका इस्तेमाल करूं ठीक, क्या बन जाएगा सर बेटा? एक्सप्लेन करो वो, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बताइए परसेंट कहां जाएगा? सी ए बी पर आ जाएगा जी, बी सी डी ई एफ और इसका मतलब नॉन क्लासिकल ये इसलिए है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तीन सेंटर के बीच में घूम रहा। देखिए कैसे पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज पहले कहा था? अरे यार जी पता भाई नहीं था, किसी को शक है क्या भाई? अबे भाई लिविंग ग्रुप जहां होगा वहां पॉजिटिव चार्ज करेक्टर तो होगा ही ना, तभी तो लिविंग ग्रुप है वो। और जब वो डबल बॉन्ड से पार्टिसिपेशन में गया तो उसका पॉजिटिव चार्ज बी और सी के बीच में चला गया, बी पे भी सी पे भी जा सकता है और बी पे भी जा सकता है। इसीलिए जब कहीं पर नॉन क्लासिकल इंडिकेशन किया जाता है तो देखिए ऐसे इंडिकेट किया जाता है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बना लीजिएगा, ऐसे मैं बना सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप देखिए इसमें से बना लें, ये थोड़ा सा ऊपर वाले को मत देखिएगा, ये लास्ट वाले को देखिए, ये लास्ट वाला देखिए, हाँ डॉट डॉट ये देखिए, बेसिकली जो है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है वो, इसलिए इसको नॉन क्लासिकल बोल रहे हैं क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे था वो इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है, पूरा एक तरीके से कहिए कि घूम रहा है। अब डीलोकलाइज भी क्यों कहे भाई, डीलोकलाइज वर्ड तो सही है लेकिन रेजोनेंस वाला डीलोकलाइज नहीं है, ये एनजीपी वाला डीलोकलाइज है। तो अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसको पढ़ते तो है एनजीपी, पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन इसको समझ नहीं पाते कि इस डॉट डॉट का मतलब क्या होता है। इस डॉट डॉट का मतलब यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज जी पे था वो बी और सी पर बट रहा है थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस इंटरमीडिएट, ये कंबाइंड इंटरमीडिएट ऐसे इंडिकेट करेंगे इसको, सबको मिक्स कर देंगे जब आप तीनों को, तो कैसे इंडिकेट करेंगे इसको आप, कंबाइंड तरीके से करेंगे, मैं बना देता हूं आप इसको मत जाइए बस देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या बोलेंगे कि जब आप इस पॉसिबिलिटी को और इस पॉसिबिलिटी को मिला देंगे तो कंबाइंड इंटरमीडिएट क्या जनरेट होगा इसमें, कंबाइंड इंटरमीडिएट जनरेट होगा इसमें आपका ऐसे, बस ठीक करना पड़ेगा, आप लोग बड़ा परेशान थे जब मैंने आपको नॉन क्लासिकल इफेक्ट बताया,
आप वैसे बहुत लोगों ने मेरे से आके पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा नॉन क्लासिकल, बताइए पता नहीं चलेगा आपको? इसमें इसमें पता क्या चल रहा है, देखिए इसकी खूबसूरती इसको बयां कर रही है, देख लीजिए कि ये नॉन क्लासिकल है, मतलब थोड़ा टेढ़ा है लेकिन अपना हो सकता है। अगर दो नंबर दे तो यार ठीक है गेट में, और चार नंबर अगर सीएसआईआर में तो भी ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से हर वो चीज सही है और लोगों को आनी चाहिए जो उसको नंबर दिला रही है, और नंबर नहीं दिला रही, जल्दी नंबर दिला रही है। तो आपको क्लियर हुई मेरी बात? ना तो पॉजिटिव चार्ज यहां है, ना तो बी पर है और ना तो सी पर है, तीनों का हाइब्रिड है, और ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्बन। और बेटा यही रीजन होता है जिसकी वजह से जब एनजीपी नहीं लग रही होती है डबल बॉन्ड की तो उससे बहुत ज्यादा रेट इसका होता है, समझ रहे? मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल सब्सट्रेट लिया जहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, लिया एक और ले लीजिएगा, मैं आपको लेके दिखाऊंगा, इस डबल बॉन्ड को आप हटा दीजिए मान लीजिए, तो क्या होगा? नॉन क्लासिकल कार्बन नहीं बनेगा। अब नॉन क्लासिकल कार्बन नहीं बना तो जो रेट में डिफरेंस है वो देखिए 10^11 टाइम्स, ये मैंने आपको अभी दिखाया पढ़ा के 10^11 टाइम्स रेट जो है कम होगा। 10^11 तो जानते ही ना भाई, हाँ बस बताने की जरूरत नहीं है आपको। जी सिंगली एक तो ये सबस्ट्रेट हो गया, इसका सबस्ट्रेट ए कर लीजिएगा, ये पूरा बना लीजिए पहले आप, मैं मिटा देता हूं उसको। ये सबस्ट्रेट ए हो गया आपका, सबस्ट्रेट बी आप इसको बीच में मैं ऐसे बना दे रहा हूं, मैं थोड़ा कंपेयर करा देता हूं, पहले नीचे बना लीजिएगा बेटा, अलग से बनाइएगा इस सबस्ट्रेट को, नॉन क्लासिकल साथ मत मिलाइएगा यार, रुक जाइए पहले मैं इसको मिटा ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको बना लीजिए पहले, बना लिया ना आपने, सबके समझ आ गया? अब कोई अगर आपसे नॉन क्लासिकल पूछे तो बता दीजिएगा। इसीलिए तो क्वांटम ज्यादा पढ़ी जाती है क्योंकि वो नॉन क्लासिकल है, क्लासिकल पे काम नहीं करती है वो, मानते ही नहीं मानते इस बात को, पढ़ा है ना? इसीलिए आपको पता क्वांटम जो है बेसिकली सभी ब्रांचेस के बीच में हाइब्रिड की जा सकती है, सभी ब्रांचेस के बीच में, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ और इंक्लूडिंग अदर ब्रांचेस, बायो को भी ले सकते हैं, ठीक। वैसे तो अगर हायर लेवल पे जाया जाए तो हर ब्रांच एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप देखिए बायो फिजिक्स है, आपने देखा हो बायो फिजिक्स, सुना आपने? नहीं सर, कोई बात नहीं, सुन लीजिए मेरे मुंह से तो बायो फिजिक्स से एमएससी भी होती है, पीएचडी भी होती है। जियोलॉजी सुना आपने? जियो फिजिक्स, नैनो फिजिक्स, अच्छा बताइए नैनो फिजिक्स कहाँ कहाँ पे है, कहीं आप कोई फेमस डिपार्टमेंट बताइए जहाँ नैनो फिजिक्स हो, वहां तो सब कुछ है कुछ छोड़ के बताइए, वहां तो ऐसे कोई ब्रांच नहीं जो ना हो, उसको छोड़ बताइए, बीएचयू, समझ रहे हैं आप? अब वो बताए पूरे नैनो का जो डिपार्टमेंट है नॉर्थ का, उसका हेड बीएचयू में, समझ रहे हैं? नॉर्थ का उसको छोड़ दीजिए आप, अब आईसी बैंगलोर को छोड़ दीजिए, आईसी बैंगलोर तो फिर अलग ही चीज है, समझ रहे हैं? वहां तो आप सोचिए बीटेक के लिए भी सबसे बड़ा है, एमटेक के लिए भी सबसे बड़ा है, पीएचडी के लिए भी सबसे बड़ा है, केमिस्ट्री भी सबसे बड़ा है, फिजिक्स भी सबसे बड़ा है, उसको छोड़ दीजिए आप। वहां के अगर आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर के नंबर गिनेंगे ना आप कितने संख्या में हैं, तो आपको दूसरे जगहों से बहुत ज्यादा मिलेगा वहां पर। और आपको बताओ पहला 1200 MHz का एनएमआर भी लगने वाला है वहां पर, जो इंडिया में पहली बार लगेगा आईसी बैंगलोर में, सेंट्रल लैब में लगेगा वहां, ये हमारा जूनियर बता रहा था, हमारा दोस्त तो निकल गया वहां से पीएचडी करके, बताया ना मैंने आपको उसके बारे में। भाई देखिए वो जो पीएचडी होती है ना वो अलग 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 चीज है, उसके लिए अलग जीन होना चाहिए हमारे अंदर,
हमारे लोगों के अंदर वो जीने, स्पेशली मेरे अंदर तो नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेशर जो बर्दाश्त कर सकता है वही पीएचडी कर सकता है, जो मतलब सब कुछ कर सके अपने गाइड के साथ। बताइए, नहीं नहीं आप अदरवाइज मत लीजिएगा, आप लोग सब चीज को अदरवाइज ले लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ, एक हाल, एक था पीएचडी कर रहा था जामिया से, तो वो क्या हुआ, वो सोचिए एटीएम से पैसा निकालना, कपड़े धोना, सब्जी लाना, ऐसा कौन सा काम नहीं था जो नहीं करता था गाइड। एक बार क्या हुआ कि वो 500 साल पढ़ के जामिया नगर से आ गया यहाँ पे जिया सराय, फिर जब यहाँ पहुंचा तो उसको फोन करके बुला लिया उसके गाइड ने फिर से कि कहाँ हो, एटीएम से पैसा निकाल, मतलब एटीएम से पैसा निकालने के लिए फिर से वो यहाँ से वापस गया। तो इसको कहते हैं कुत्ता जिंदगी, कुत्ता जिंदगी नहीं जी सकते हो हिंदी में, कुत्ता जिंदगी ये नहीं जी सकते हो भाई, मतलब पैसा निकालने के लिए भी हम ही में चूज करो यार, काम करवाओ ना यार। आपको पता, मैंने पीएचडी यहाँ पे ज्वाइन किया था आईटी दिल्ली में, भाग गया मैं, अरे बड़ी तेज भागा था मैं भाई साहब, बता रहा हूँ, 3 महीने खाली मैंने काम किया, जैसे मुझे 4th महीने पैसा मिला, मैं इंतजार कर रहा था पैसे का, अरे यार पैसा तो मिल जाए, मेरी जियारत बेकार हो रहा है, कम से कम पैसा तो मिल जाए। ये आपने सुना होगा, ये प्रोफेसर है, वो जो ऑर्गेनिक के प्रोफेसर है यार, क्या नाम उनका, एनजी रमेश सर, हाँ उन्हीं को ज्वाइन किया था। अरे वो कह रहे थे भाई कि वो कहाँ गया, मैं तो भाग गया था, रह रहा था जिया सराय में। पता जब मैं टेक का इंटरव्यू देने गया गेट के थ्रू, जस्ट तुरंत ही गया तो पहचान गया सभी लोग कि ये तो वही है। तो मुझसे कह रहे कि तुम कहाँ चले गए थे बेटा, बहुत फोन किया तुमको। तो मैंने कहा कि सर मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई। सर क्या कर रहा था, ये पीएचडी बढ़ी है दादी, दादी जी हमारे बहुत पहले बने, वो बहुत पहले काम आ गए मेरे, तो बोले बेटा अगर तुमको ले ले काम करोगे, मैंने कहा सर बिल्कुल सर काम करूंगा, लेकिन मुझे पता था काम नहीं करना, समझ रहे, इतना डी और इतना फेल किसी को नहीं किया, इतना मुझे किया गया। मेरे को बुला के कह रहे हैं वो सर, ए के सिंह सर, कहते हैं ये यार तुम बार बार जीरो क्यों पाते हो। तो मैंने कहा सर मैं लिखता तो हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि AL ET3 में ET हो, मैं लगा देता हूँ आर, तो आप काट के जीरो कर देते। सबसे ज्यादा डी पाया था मैंने, समझ रहे हैं, स्कॉलरशिप मेरी बंद हो गई, सब हो गया। तो जो जिस लायक है वही करना चाहिए काम, समझ रहे हो, इसका मतलब यही मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूँ, मैं अपना बात बता रहा हूँ। नहीं ये अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसमें लिख लीजिए बेटा, ये पूरा ले लीजिएगा 3 सबस्ट्रेट और नोट कर लीजिएगा इसे, OTS, H, OTS, H और यहां भैया है OTS, A, B and C, लिख लीजिएगा, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेटा, वो वहां पे भी काम करते हैं, ये कहते हैं वो जिनके कोई लैब नहीं है और ये दाढ़ी उनके ऐसी, हाँ हाँ क्या है, क्या नाम है, नलिन पंत, अरे वो उसका बस चलता तो आपको कोड़े मरवाता भाई, वो 20 तो खड़ा करो और 20 कोड़े लगाओ। वो एक लड़की से एंटी में चढ़ गया था, हाँ एक लड़की से चढ़ गया था, मतलब उसकी 9 CGPA थी, उसको जर्मनी नहीं जाने दिया। हाँ नहीं जाने दिया वो भाई, बड़ा टेढ़ा आदमी, पहले तो बुला के मुझको कह रहा है कि मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा आपको, फिर कहता है कि मैं आपको नहीं करवाऊंगा प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों, कह रहा है तुम्हारे पास फेलोशिप नहीं। मैंने कहा मिलती कितनी है, 8,000 तो देते हो आप, तो नहीं मिल रही है तो क्या फायदा भाई, हमारा करा दो प्रोजेक्ट, मना कर दिया उन्होंने, समझ रहे हैं आप।
नलिन पंत, प्रोफेसर नलिन पंत ऐसी दाढ़ी रखते हैं ऐसे करके, ये वाली यहाँ बांधे रहते हैं, कुछ दबर बांधे रहते हैं, पता नहीं क्या प्रोफेसर है। हल्के आप रूम में चले जाइए, लगेगा कि ऐसा पूरा स्मोक भरा रहता है, भयंकर, इतना भयंकर चेन स्मोक भरा है ना। उनकी लैब बन गई, लैब भी बनी होगी, काम तो करता ना वो, कंफर्मेशन एजेंसी पे काम करते है ना। ठीक है, लिखिए, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोमेटाइल, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोमेटाइल इन सबस्ट्रेट ए एंड बी, थ्रू एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड, through NGP of pi bond, the rate of nucleophilic substitution, the rate of acetolysis, the rate of acetolysis, the rate of acetolysis in above substrate will be as follows। देखिए, अगर मान लीजिए कि इसका रेट कांस्टेंट सपोज करिए कि एक, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में 10 टू द पावर 11 टाइम्स ज्यादा ये है और 10 टू द पावर 19 टाइम्स ये। मैं बता देता हूं, ए इज 10 टू द पावर 11 टाइम्स मोर रिएक्टिव, ऐसे लिखिएगा, ए इज 10 टू द पावर 11 टाइम्स मोर रिएक्टिव, ए इज 10 टू द पावर 11 टाइम्स मोर रिएक्टिव फॉर एसिटोलिसिस, ए इज 10 टू द पावर 11 टाइम्स मोर रिएक्टिव फॉर एसिटोलिसिस देन सी। एंड बी इज 10 टू द पावर 19 टाइम्स रिएक्टिव फॉर एसिटोलिसिस
लीजिएगा एक्स इक्वल्स लिविंग ग्रुप एक्स इक्वल्स लिविंग ग्रुप देखिए यहां पर एक्स जो है वो वन कार्बन ब्रिज के एडजेसेंट पे ठीक है प्रेजेंट एडजेसेंट टू वन कार्बन ब्रिज जी यहां डायरेक्ट वन कार्बन के ब्रिज पे है एक्स इक्वल्स लिविंग ग्रुप प्रेजेंट डायरेक्टली एट वन कार्बन ब्रिज और एक्स या लिविंग ग्रुप प्रेजेंट एट नेक्स्ट टू एडजेसेंट कार्बन ऑफ वन कार्बन ब्रिज देखिए इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के लिए रिजिडिटी बहुत जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए मतलब आप ये कहिए कि अगर मैं ये बोलूं कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऐसे बोलूं अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन is directly proportional to rigidity of cyclic carbocationic intermediate देखिए जैसे देखिए जैसे जैसे ना दूर होता जाएगा इस ब्रिज से वैसे वैसे एनजीपी वीक होती जाएगी उस रिंग का हिस्सा जब तक रहेगा तब तक एनजीपी लगेगी उस रिंग से दूर होता जाएगा एनजीपी कम होती जाएगी वीक होती जाएगी तो जिसकी जो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी सो इसीलिए सबसे बढ़िया एनजीपी कहां लगेगी यहां पे उसके बाद यहां पे और सबसे कम यहां पे और सोचिए बेटा अगर मैं x बराबर OTS मान लूं क्या मान लूं OTS और यहां डबल बॉन्ड एक सबस्ट्रेट में लूं एक में ना लूं तब भी NGP सोचिए NGP एफएफ से 140,000 गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट से वो 10 टू द पावर 11 टाइम्स और 10 टू द पावर 11 टाइम से कम हो गया 140,000 गुना मतलब कम हो गया काफी कम हो गया उसके कंपैरिजन लेकिन फिर भी 140,000 बहुत होता है समझ गया तो इसका मतलब यहां पर भी एनजीपी पढ़ रही है ऐसा नहीं है कि यहां एनजीपी नहीं पढ़ रही है पढ़ रही है लेकिन इससे पुअर और इसमें और पुअर हो जाएगी तो इस बात को आप नोट कर ये है आपका ए हो गया ये बी हो गया और ये सी हो गया लिख लीजिए एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड इज depend on the stability of
डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट विच इन टर्न डिपेंड ऑन द रिजिडिटी ऑफ साइक्लिक कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट विच इन टर्न फॉलोड बाय ये मेरे को इंग्लिश ज्यादा नहीं आती लेकिन सही है जो भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती लेकिन मेरे को मेरे हिसाब से जो इंग्लिश मैं जानता हूं जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से सही है हाँ विच इन टर्न डिपेंड ऑन रिजिडिटी ऑफ साइक्लिक कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बी ये अगर मैं एनजीपी का रेट लिखूं तो वो क्या जरूरत है लिखाने की आपको तो एनजीपी का रेट लिख लीजिएगा ये किसका सबसे ज्यादा बी का फिर ए का और फिर सी का इसका बहुत ज्यादा होगा समझ गया ना ये बात तो इसका भी ध्यान रखिएगा और आप एक एग्जांपल नोट कर लीजिए उस एग्जांपल के थ्रू आप ध्यान रखिएगा आप इसका एक सबस्ट्रेट नोट करिए इसमें ओटीएस ले लीजिएगा यहाँ एक्स की जगह पर और एक में डबल बॉन्ड रखिएगा एक में मत रखिएगा दो सबस्ट्रेट से ले लीजिए ये मिटा दो मैं ये केवल बेटा आपको जेरी मार्च में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा समझ रहे हैं आप क्योंकि ये सब चीजें इतनी क्लासिकल मैनर में यहीं पर दिया गया है और कहीं नहीं दिया गया अभी तक क्लेटन खत्म बस पाई बॉन्ड का एनजीपी लग रहा है रेट बढ़ा देगा दो दो एनजीपी लग रहा है तो और बढ़ा देगा एक भी नहीं लग रहा है सबसे कम लेकिन जो रेट का कंपैरिजन है वो आप करेंगे तब आपको पता चलेगा तो एक में ओटीएस ले लीजिए आप और एक में ले लिए बेटा आप विदाउट डबल बॉन्ड ओटीएस है ना एमई तो लिख लीजिएगा ए इज टाइम्स मोर रिएक्टिव फॉर एसिटोलिसिस then B ऊपर में B किया था ना आप इसको D कर लीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आप लोग अब्यूज हो जाएंगे A is 140,000 times more reactive for acidolysis than B समझ गए बेटा यानी आप यहाँ पे भी पर्याप्त अच्छी एनजीपी लग रही है बड़ी एनजीपी लग रही है अब लिखिए नेक्स्ट लिखिए इफेक्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री
इफेक्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री एंड इफेक्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स and electron donating groups and strong electron donating groups. On NGP effect of pi bond. बस आपको मैं बहुत ही कॉन्साइज मैनर में बताता हूँ इसको. एक सवाल आपको नेट के पेपर में आया था, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा. देखिए इसको लिख लीजिए ऐसे, एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड, एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन. अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा SN2 रिएक्शन बताओ जिसमें कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट पाया जाता है, यही NGP ऑफ पाई बॉन्ड, NGP ऑफ पाई बॉन्ड और NGP ऑफ सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड भी बताऊंगा मैं भी आपको आगे. तो पाई बॉन्ड की एनजीपी जब लगती है तो कार्बन नहीं बनता, नॉन क्लासिकल कार्बन बनता है और वो इंटरमीडिएट का इधर वर्क करता है उसको. ठीक है, तो एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जानते हैं ना, तो नॉन क्लासिकल को भी बढ़ा देते हैं. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग, लिखिएगा बेटा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. एक आप पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको. भाई कार्बोकैटायन है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की वही चीज है, कार्बोकैटायन करेक्ट है नॉन क्लासिकल में. तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखेंगे तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा, तो रेट बढ़ाएगा एनजीपी का. और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो घटाएगा. ठीक, अब रही स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात. मान लीजिए कि कोई डबल बॉन्ड लीविंग ग्रुप के साथ एंटी है, एंटी समझ रहे हैं मेरी बात को ना, और एक सिन है, तो कौन बढ़िया देगा एनजीपी? जिसमें एसएन2 बढ़िया होगा. एसएन2 किसमें बढ़िया होगा? जिसमें एंटी हो. स्विच को लिख लीजिए, एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड इस directly proportional to presence of leaving group in anti manner. Inversely proportional to presence of leaving group in syn manner. अब मान लो यार कहीं पे अगर syn manner में NGP लग रही है, कहीं पे anti manner में NGP लग रही है, और कहीं पे NGP लग ही नहीं रही है, तो किसका रेट ज्यादा होगा? जिसमें anti हो फिर syn और फिर जिसमें लगी नहीं रही. तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई,
एक तो आपको ये बताया मैंने कि क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का, और क्या इफेक्ट पड़ता है स्टीरियो केमिस्ट्री का लीविंग ग्रुप का विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं आपको ध्यान रखिएगा, बाकी एग्जाम्पल्स दैट्स इट, ठीक है? एक एग्जाम्पल जो पहले वाले का है वो तो मैं आपके सवाल में ही आया, पेपर में ही पूछा गया, तो वो तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है कहीं पे, कि मैं फिर से कर दूंगा आपको। और एक आपका ये मैंने बताया था आपको कि एनजीपी लग रही है, मैं जब एनजीपी पढ़ाऊंगा तो और बढ़िया समझा दूंगा आपको वहां, तो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिटा दो उसको, हाँ मिटा दो, समझ आ गया? पहले आप नीचे वाला देखिए, एक और ये हो गया, क्या सब्सिडी हो गया आपके ए B, C, R, D। रेट ऑफ एसिटोलिसिस पूछ रहा हूं, रेट ऑफ एसिटोलिसिस देखिए, डी में तो सबसे ज्यादा होगा, दो डबल बॉन्ड के एनजीपी है, उसके बाद ए और बी में, और सबसे कम सी, यानी ये तो फैक्ट हो गया कि इसमें एनजीपी पड़ी नहीं रही है, और इसमें दो डबल बॉन्ड की पड़ रही है, और इसमें खाली एक डबल बॉन्ड की। तो देखिए कहां आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री कंपेयर करना है, देख लीजिए आप, जहां केवल एक डबल बॉन्ड की एनजीपी है उसमें एक है डबल बॉन्ड के साथ एंटी और एक है डबल बॉन्ड के साथ सिन। तो जहां सिन होगा वहां आप जानते हैं इसको अटैक करना है इसके एंटी बॉन्डिंग में ना बेटा, देखो इसके एंटी बॉन्डिंग में करना अटैक, इसके एंटी बॉन्डिंग में ना, और इसका बताओ कहां प्रॉपर है अटैक करने के लिए, बी में, जहां एंटी होगा उसी का तो वैकेंट सिग्मा स्टार इसके साथ प्रॉपर ज्योमेट्री में होगा अटैक करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंटी हुआ तो एनजीपी अच्छी होगी, और अगर एंटी नहीं हुआ सिन हुआ तो एनजीपी पुअर होगी उसके कंपैरिजन जिसमें एंटी, ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेट इससे कम होगा, क्या बोलता है पंखा बंद कर दो, आराम कर लो, ठीक है? दवा खाइए उठ जाएगा चिंता मत। ये एक्चुअली मौसम ही ऐसा है, सब लोग ट्रांसमिट करते हैं अपना बीमारी दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, और इसमें मैं आपको एक बार और भी बता दूं, ये डेंगू का सीजन भी है, तो आप डेंगू से भी बचिए। कैसे बचेंगे डेंगू से? आपका बस चले तो मुंह भी बांध दीजिए अपना, ताकि मच्छर मुंह पे ना काट ले कहीं।
बाकी तो कहीं काटने मत दीजिए क्योंकि आप पूरा कपड़े पहनिए फुल वाले। नहीं तो देखिए अजय मैं बड़ा वो उसमें कहता कि डेंगू का मच्छर आराम से काटता है, आराम से जानते कैसे काटता है, जब आप सोते रहे तब काटता है। अब उसमें कूलर का पानी भरा है या गमले पे पानी भरा है या कुछ, ये सब कोई रीजन नहीं होता। देखिए अगर काटना होगा तो काट ही लेगा, समझ गया। और एक कह रहा था कि तीसरे मंजिले पे नहीं काटता, काट लेगा काटना होगा तो वहां जाके आप। जी भैया क्लियर हो गया आपको, लिख लीजिए इसमें रेट ऑफ एस्टोलिसिस क्या हो गई, इसमें लिख लीजिए। हाँ जी, आइए इसको लिख लीजिएगा, नॉट इन नॉट सुटेबल फॉर एनजीपी है ना, मुझे याद है एक बार ऐसे क्या हो रहा था, मैं पढ़ा रहा था रिएजेंट और पूरी क्लास भरी हुई थी यूजीसी पॉइंट में, उसमें क्या हुआ कि एक लड़की बेहोश हो गई। अच्छा मैं यूं ऐसे करके लिख रहा था, मेरी आदत थी कि पहले मैं लिखता रहता तो देखता नहीं था किसी तरफ, तो मुझे लगता देखूंगा तो पूछ लेगा डरता था मैं, देखिए मैं अपने वास्तविक बताता था भाई, डरता था कुछ ना मेरे से, तो मैं लिखता ही रहता था लिखता ही रहता था। अब मैं पढ़ा रहा हूँ देखा उधर पीछे मुड़ के तो भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने कहा यार मेरे ऐसे का पढ़ा दिया। अच्छा हुआ क्या था कि एक लड़की जो थी उसका बीपी जो है कम हो रहा था ड्यू टू कि एसी उसी नहीं चले, नकली एसी लगाते हैं तो एसी नहीं चल रही थी, उसमें हवा वा नहीं आ रही थी, जो भी था सफोकेशन बहुत ज्यादा हुआ, वो निकली बाहर और बाहर जाते जाते गिर गई बेहोश हो गई, तो उसी में भीड़ लगा दी सर। आप तो देखें तो भीड़ लगाने में टाइम लगता है, एक थप्पड़ मारो भीड़ लग जाएगी। जी असर आए एक थप्पड़ मारो और खड़े हो जाओ भीड़ लग जाएगी अपने आप। क्या हुआ भाई क्या हुआ? तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा रिएजेंट पढ़ा दिया यार कि बेहोश हो गई। बाद में मेरे को पता चला कि वो बीपी का उसको प्रॉब्लम था, ये सब देख के और कम हो जाता है बीपी। क्या यार एंटी बॉन्डिंग है, का एंटी बॉन्डिंग। चलिए रेट क्या हो जाएगा भैया आपका, डी इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन जी। ये रहा आपका इफेक्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है क्लियर हो गया। वैसे एसएन2 की ही बात है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एसएन2 की ही बात है कि डबल बॉन्ड तभी अटैक करेगा जब उसको सुटेबल वैकेंट सिग्मा स्टार मिलेगा, और सुटेबल वैकेंट सिग्मा स्टार तभी मिलेगा जब एंटी हो। तो यहां सीन है तो एंटी होगा तो वैकेंट सिग्मा स्टार सुटेबल मिल जाएगा उसको और अटैक करने के लिए, और अटैक कर देगा एनजीपी दे देगा, समझ गया मेरे को ठीक। और बाकी जो सवाल है ना आपका जिसमें ग्रुप का इफेक्ट है उसको आप देख लीजिए, मैंने इसको करवाया है लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपको, ये आपके नेट में आया था दिसंबर 2016, ये है आपका ये सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर है 107, क्वेश्चन नंबर 107 इंग्लिश में हिंदी लिखा हुआ, हिंदी में देख लीजिए चराई चराई लग रहा है। निम्नलिखित चार अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रियाओं की दरें जिस प्रकार परिवर्तित होंगी वह है, इंग्लिश में कह सकते हैं आपकी रेट पूछ रहा है। ये मैंने आपको ये सवाल बताया है, पहले भी बताया है, ये अभिक्रियाएं है। इंग्लिश में क्या भैया, और सब फोर रिएक्शंस गिवन बिलो द रेट्स ऑफ रिएक्शंस भी बनाई है, मतलब चार रिएक्शन के कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है, देखिए ये
एक का दो से और तीन का चार से, एक का दो से किया जा रहा है और तीन का चार से। देखिए एनजीपी लग रही है, डबल बॉन्ड की एनजीपी लग रही है, लग रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ओटीएस निकल जाएगा और कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। अरे यहां तो बना ही नहीं सकते, इधर बनाता हूं। कुछ कैसा बनेगा, देखिए एनजीपी ऐसे लगेगी, ठीक सही है। और इसका जो एनजीपी इफेक्ट होगा वो है ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, हम लगा दूं बीच में और इसके ऊपर है एरोमेटिक रिंग और उसके ऊपर है एलो2। क्या इसके ऊपर, है ना भैया? एक तो ये नॉन क्लासिकल कार्बन है, बन गया आपका, ये बन गया आपका सबस्ट्रेट रिएक्शन 3 में, है ना। ये क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इन सबस्ट्रेट इन रिएक्शन 3। और देखिए एक में NO2 नहीं है, H। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो NGP होती है डबल बॉन्ड की या पाई बॉन्ड की, वो डिपेंड करती है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर, और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ इनवर्सली होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ डायरेक्टली होता है। यानी कि अगर मैं NO2 वाला लूं तो वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन वाले। इसका मतलब कि तीसरे चौथे का रेट तीसरे से ज्यादा, ठीक है। तो वहां तो खाली कार्बोकैटायन बता पाया था मैं एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट बताना चाहता था। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट जैसे कार्बोकैटायन पे होता है वैसे ही नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पे होता है, और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड की एनजीपी से। तो जितना नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ही एनजीपी फास्ट होगा, और जितना एनजीपी फास्ट होगा उतना ही इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ जाएगा। भाई यहां पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ही तो आया, तो ओटीएस को हटा के OH लगा देते। और देखिए एनजीपी की वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही है, देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री एनजीपी की वजह से चेंज नहीं हो रही है। तो यानी अटैक कैसे हो रहा है बेटा, देखिएगा इसको आप बना लीजिए थोड़ा सा, दोनों इंटरमीडिएट बना लीजिए प्लीज, दोनों लिखिए और दोनों में डबल बॉन्ड को एरो के थ्रू दिखाइए ऐसे, और एक का इंटरमीडिएट ये बनाइए और एक का नीचे वाला बनाइए। बता दूंगा वापिस से, मतलब क्या बता दूंगा वापिस से, ये जो बताया डबल बॉन्ड उधर घुमाने वाला वो वाला। अच्छा किससे कंपेयर करो ये समझ नहीं आया। अच्छा एक्चुअली क्या है, इसका कंपैरिजन मैं इससे कर रहा हूं, इससे इस वाले से, यहाँ NO2 है ना, यहाँ H है, तो दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, NO2। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा तो क्या होगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा, वही बोल रहा। बना लीजिए प्लीज, बना लीजिए, इसके लिए भी बना लीजिए, नीचे वाले के लिए भी बना लीजिए, फिर मैं आपको इसका रिएक्शन परफॉर्म करके दिखाता हूं कैसे किया जाता है इसका रिएक्शन। अटैक वहीं पे होगा जहां पे एनजीपी लग रही है, इसीलिए रिटेंशन होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरे एनजीपी और इसमें डिफरेंस ये है कि दूसरे एनजीपी जो होती है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं बनाती, लेकिन ये क्या बनाती है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। इस वजह से इस एनजीपी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ये एनजीपी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा बढ़ाती है रेट। समझ गए बच्चों,
यानी एनजीपी का मतलब ये नहीं कि हर जगह नॉन क्लासिकल बनेगा कार्बोकेट आयन, केवल जब पाई बॉन्ड का या सिग्मा बॉन्ड का एनजीपी लगेगा तभी नॉन क्लासिकल बनता है। तो मैं आपको पाई बॉन्ड का पढ़ा रहा हूं, मैं बना दूं क्या एक में, बस यही एच लगा लो मेरे, यही वाला एच लगा लो, नोट टू बॉटम बस बॉन्ड दिखाने के लिए बोल रहा हूं, उसमें कुछ मत करिए, ऐसे कर दीजिए बस, लिख दीजिए एनजीपी या पाई बॉन्ड, देख तो लिया, मिटा सकता हूं मैं इसको, मिटा क्या मतलब बुझा सकता हूं। देखिए बॉन्ड, देखिए देखिए बॉन्ड एक दूसरे के पीछे है, देखिए ये खासियत है, एक जा रहा है तभी दूसरा जा रहा है, अब किसके पीछे गया ये नहीं पता चल रहा है। तो एक ये हो गया बेटा नॉन क्लासिकल, और एक नॉन क्लासिकल क्या है, देखिए सीएसआईआर ने वो वाला दिया है ब्रिजेट का फॉर्म जिसे नॉन क्लासिकल बनाना आसान होता है, देखिए आसान है, उधर आसान नहीं था बनाना, तो आपका ध्यान लगता है पूरा, तो ये क्या हो गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इन रिएक्शन है फोर्थ, है ना, चलिए तो रिएक्टिविटी तो समझ में आ गई आपको, रेट भी समझ में आ गया, क्योंकि ये फोर्थ इज मोर लेस स्टेबल देन थर्ड, लिख लीजिए थर्ड, हाँ भैया ठीक है निकल गया मुझसे। फोर्थ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल देन थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, हेंस फोर इज ग्रेटर देन फाइव, ये रेट है रेट, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे इसका, प्रोडक्ट वाटर का टैग करके, देखिए मैं एक बना के दिखा देता हूं, बना लीजिएगा, ये लीजिए वाटर है आपका, यहां मारना टैग आपको, ये देखिए, और जबकि कैसे करना है आपको, ये जो है ना जीपी वाला इसको यही ले, ऐसे दिखाइए इसको, बॉन्ड है तो दोबारा वही यहां है जहां था, मतलब जब अटैक किया बाहर से न्यूक्लियोफाइल ने तो जो पॉजिटिव चार्ज का करेक्टर था वो फिर से डबल बॉन्ड पर आ गया, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का करेक्टर था वो खत्म हो गया और फिर से डबल बॉन्ड बन गया, यही तो मतलब बोला यार, ये बॉन्ड टूट गया या ये वाला बॉन्ड टूट गया और यहां डबल बॉन्ड दोबारा बन गया, लेकिन एनजीपी की वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री वही है जो निकलने वाले लिविंग ग्रुप, ठीक। स्टेप टू, ये समझना है बेटा, है ना, मतलब इसका अटैक करा और ये जो एनजीपी देने वाले जो लूज बॉन्ड्स हैं, जो ये ब्रोकन हैं, जो डॉटेड फॉर्म में दिखाया मैंने, वो टूट गए और टूट करके दोबारा वहां डबल बॉन्ड बना लिया जहां पे पहले था, ठीक। इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये किस कार्बन पे हो रहा है यार, ये इसको अगर नंबरिंग कर दूं मैं तो एट वन कार्बन लिख ली तुम, एट वन कार्बन ब्रिज,
अब बेटा देखो एक ही सेंटर पे दो बार इन्वर्जन हो रहा है, एक बार पाई बॉन्ड की एनजीपी से और दूसरी बार बाहर वाली न्यूक्लियोफाइल का टैक्स, इसलिए नेट रिटेंशन, यानी हर जगह एनजीपी का कॉन्सेप्ट वही है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? ये OH NO2 डबल बॉन्ड, एक तो ये हो गया, ये प्रोडक्ट ये बना के दिया हुआ है, बनाना नहीं है आपको, इसलिए खाली कोई अगर खाली कंपेयर भी कर ले इसमें क्या हो रहा है मैकेनिज्म, तो भी आंसर कर सकता है, बनाने की जरूरत नहीं उसको। CSIR वाला केवल ये जानना चाहता है आपसे कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि इसमें NO2 का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस दैट्स इट। NO2 के इफेक्ट से कार्बोकेटायन या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक, अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होगी तो सल्वन का रेट कम हो जाएगा, और नॉन क्लासिकल कार्बन की स्टेबिलिटी कम होगी तो एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? इसमें बना लिया, इसमें क्या हो भैया, वाटर और ये वापस देख लीजिए, यही प्रोडक्ट था आपका, जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ था वो यही था ना? नहीं नहीं, ठीक, अब इसमें देखिए एक लाइन लिखी हुई है इस बुक में कि ट्रिपल बॉन्ड और एलील्स भी जो है वो नेबरिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जी, तो पूरा पहले समझ में आ गया भैया? हाँ, आपको याद है मैंने पहले भी कराया सवाल को एक बार, लेकिन तब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन नहीं बता पाया था आपको, तो वो चीज मैंने आपको बढ़िया ढंग से भी यहाँ बता दी। ठीक, कार्बोकेटायन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। ठीक, समझ आ गया सभी को? समझ आ गया आपको? आपको समझ आ गया? आप इसे पूछ रहा हूं, अभी आ गया तुम्हें आया भाई, ज्यादा तो नहीं है, पहले आ गए, ज्यादा आया बताना खींच लूंगा। एक्चुअली जो आगे बैठता है उसको ज्यादा आ सकता है, उसका ऑर्बिटल पास है, अटैक जल्दी होगा। ऑर्बिटल का मतलब सर देखिए, इसीलिए कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो रिएक्शन जल्दी होता है, तो जो नहीं जानता ऑर्गेनिक के बारे में उसका ऑर्बिटल वैकेंट है, और जो जानता है उसका पार्शियली कवर्ड, और जो बहुत जानता है उसका पूरा फील्ड है। फील्ड तो जो फील्ड वाले हैं वो उनको समझ नहीं आया, चाहे कितना भी समझा लो, उनका पहले भरा हुआ है, तो या तो पहले लात मार के भगाओ उसको, पहले उसके लिए कम से कम एक महीना लगेगा, उसके बाद तब फिर अपने हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो भरा हुआ है। और उनका पी ऑर्बिटल पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है ना, यही तो होता है ना भाई, एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, एफ का सबसे कम, अकॉर्डिंग टू कौन सा भाई? कौन सा कौन सा स्लेटर्स रूल? हाँ बता रहे, ये देखिए, ये मैं कह रहा था बेटा, ये देखिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है, लिखी हुई है देखिए, ये नीचे समझा रहा था मैं, यही आपको ये भी समझा रहा था जो OBS वाला बता रहा था भैया। ठीक, इसमें देखिए आपका ये लिखा हुआ एक लाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड्स एंड एलील कैन आल्सो एक्ट एज अ नेबरिंग ग्रुप्स। अब ये कैसे है इन्होंने दिखाया नहीं है इसमें, इन्होंने खाली बस इसी का एग्जांपल दिया है, इन्होंने वो नहीं दिया है ट्रिपल बॉन्ड और एलील्स का नहीं दिया,
अगर मुझे कोई मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। इन्होंने एग्जांपल नहीं दिया इसमें, ठीक है। बाकी जितना बताया था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरा एग्जांपल भी बता दिया आपको, ठीक है। अब आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, एनजीपी ऑफ एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ एरोमेटिक रिंग, एनजीपी ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ एरोमेटिक रिंग, इसको ना बोलते नॉन क्लासिकल, ठीक। बस पाई बॉन्ड की ये एरोमेटिक रिंग की एनजीपी बची है और स्ट्रेट सिग्मा बॉन्ड की एनजीपी बची है, एनजीपी खत्म हो जाएगी, ठीक। और आपके जितने सवाल हैं बुक में मैं एक बार देख लेता हूं सारा, गेट में और नेट में तो मैंने आपको बता दिया, करा दिया, और उस सारे सवाल करवा दूंगा आपको, और इन सब के मैं आपको अलग से असाइनमेंट्स बना के दूंगा आपको अलग से, ठीक है। अब इसको कराने के बाद देखिए जो मैकेनिज्म का एक बड़ा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर बस सब्स्टिट्यूशन का ये बचेगा थोड़ा बहुत पार्ट, लूज एसेंट टू वाला, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं, हो सकता है बेटा मैं आपको जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, हो सकता है मंडे मैं आपका 2 घंटे का स्टीरियो का क्लास लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये एनजीपी का क्लास लूँ। अभी देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ एक बात, कि जिनको बेसिक पढ़ा है ना स्टीरियो आप लोगों ने, वो मत आइएगा, वो मत करिएगा क्लास, क्योंकि नहीं तो आपका जो कंसेप्ट है वो बिगड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हम जो है लोअर पढ़ाएंगे तो फिर अपने हिसाब से बताएंगे। तो कोशिश करिएगा कि जिसको आता है वो ना आए, तो आप इसे के लिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, और एडवांस वाला पढ़ाऊंगा स्टीरियो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो आप कर सकते, ठीक। चलो थैंक यू। वो इसी का वो कुछ है।